हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे, जहां पे आप पाते हैं दवाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाइजिन सिरप के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसकी MRP के बारे में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं डाइजिन सिरप के बारे में। दोस्तों जो डाइजिन सिरप होती है, एंटा एसिड सिरप होती है। इस सिरप का इस्तेमाल अगर व्यक्ति में खट्टी मीठी डकारें आती हैं और दोस्तों पेट में गैस ज़्यादा बनती है और दोस्तों पेट में हाइपर एसिडिटी यानी पेट में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जो डाइजिन सिरप होती है, एबॉट कंपनी द्वारा बनाई और बेची जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके प्राइस के बारे में यानी इसकी MRP के बारे में, दोस्तों डाइजिन सिरप 200 ml की आपको फार्मेसी पे 135 रुपये की आपको मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि डाइजिन सिरप में क्या क्या पाया जाता है, इस सिरप में क्या क्या शामिल रहता है। दोस्तों इस सिरप में अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो कि दोस्तों इस सिरप में 830 mg पर 10 ml में होता है। और दोस्तों इस सिरप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो कि दोस्तों इस सिरप में 185 mg पर 10 ml में होता है। और दोस्तों इस सिरप में सिमेथिकॉन पाया जाता है, जो कि दोस्तों इस सिरप में 50 mg पर 10 ml में होता है। और दोस्तों इस सिरप में सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज पाया जाता है, जो कि दोस्तों इस सिरप में 100 mg पर 10 ml में होता है। दोस्तों डाइजिन सिरप में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में यानी इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों जो डाइजिन सिरप होती है, एंटा एसिड सिरप होती है, जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी में करते हैं, यानी कि अगर पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल हार्ट बर्न यानी अगर आपके सीने में जलन हो रही है, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल इनडाइजेशन यानी अगर आपको अपच समस्या हो रही है, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको खट्टी मीठे डकारें आ रही हैं, पेट में गैस ज़्यादा बन रही है, पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर में करते हैं। दोस्तों जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, हमारे पेट में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल अडल्ट में 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस सिरप का इस्तेमाल बेड टाइम करें, तो दोस्तों आपके शरीर में इसके रिजल्ट अच्छे दिखाई देने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों इस सिरप से आपको कंस्टिपेशन यानी आपको कब्जियत हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपके भूख में कमी हो सकती है, वीकनेस, आपको कमजोरी फील हो सकती है, डायरिया, आपको दस्त भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये सारे साइड इफेक्ट आपको लंबे समय तक दिखाई पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाके एक बार सलाह जरूर लें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।